नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई मॉडिफिकेशन जो मुझे नहीं लगता आज के पहले किसी ने की है। ये मेरे अपाचे का इंडिकेटर है। ये स्टॉक बल्ब स्टॉक उसमें ही लगा है, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसमें से निकाला है और ये बहुत खूबसूरती से काम कर रहा है, इसमें कोई पानी नहीं जाता। और इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल क्या नाम है, अगर ये लगता तो ये आप देख सकते हैं कितना अंदर लगता और दिखाई नहीं देता। इससे फ़ायदा ये होता है कि पहली चीज़ ये एकदम स्टॉक की तरह काम कर रहा है और क्या नाम है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये ज़्यादा ब्राइट भी लग रहा है क्योंकि ये अंदर से भी चमक रहा है ये। और इसके टूटने का भी झंझट नहीं रहता कि ये चीज़ रबड़ जो होता है ये बहुत कमज़ोर होता है, चाइनीज़ होता है, ये टूट जाता है अक्सर। इसलिए ये वाला मॉडिफिकेशन मैंने किया है, मेरे ख्याल से ये इंटरनेट पे फर्स्ट होगा। पीछे से ये कुछ इस तरह से दिखता है, पीछे तो आराम से लग जाता है क्योंकि यहाँ पे उतना बड़ा छेद नहीं है कि ये इसमें ये इतना बड़ा छेद नहीं है कि ये आर पार हो जाए। आगे में ये दिक्कत आती है कि ये चीज़ में ये पूरा इतना बड़ा छेद है, अगर आप इसको निकालेंगे तो ये पूरा अंदर से ये इतना बड़ा छेद हो जाएगा। इसके लिए लोग जुगाड़ लगाते हैं और वो इतना अच्छा दिखता भी नहीं है। इसलिए मैंने इसमें ये तरीका इस्तेमाल किया है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। इस मॉडिफिकेशन करना बहुत आसान है। ये मैंने एक निकाल लिया है, बल्कि ये पीछे वाला था, मैंने निकाल लिया एक एग्जाम्पल के लिए। आपको कुछ नहीं करना, बस इस पेज को खोलना है और इस असेंबली को बाहर निकालना है, जो कि आराम से बाहर आ जाएगी। निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें इस तरह से ये बना है। इसमें आप देख सकते हैं लॉक इधर है और हम इसको उल्टी तरफ घुमा के अनलॉक कर लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकलने के बाद अब या तो आप इस तार को काट सकते हैं मेरी तरह से, या तो फिर पूरा अंदर से जहाँ से कनेक्टेड होगा, आपको अगर तार नहीं काटने तो फिर आप वहीं से निकाल सकते हैं और निकाल के इसको बाहर ले लेना है कुछ इस तरह से। अब ये इंडिकेटर सबसे कॉमन इंडिकेटर है मार्केट में। इन इंडिकेटर की प्राइस मुझे 75 रुपीज़ पर पेयर पड़ी है। तो इसको खोलने का सबसे आसान तरीका है, आप ये इस चीज़ को प्लायर से पकड़ के इसको बाहर निकाल लेना है। मेरे इसमें पहले से निकला हुआ तो आराम से निकल जाता है, हालांकि ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि चाइनीज़ चीज़ है। कुछ इस तरीके से ये बाहर आ जाता है और अब इसको आपको निकालना है पेचकस की मदद से। ये पेचकस आप पीछे घुसा के इसको ऐसे कर देंगे तो निकल आएगा बहुत आराम से, ये ज़्यादा स्ट्रांगली लगा नहीं होता। कुछ इस तरह से ये बाहर आ जाता है और फिर पूरे तार के साथ आप इसको बाहर खींच लीजिए, इस पूरी एलईडी स्ट्रिप को। बाहर निकलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखती है। अब हमें इसको इसके अंदर इस तरह से फिट करना है। अपाचे का इंडिकेटर इतना बड़ा तो है कि ये इसको एकोमोडेट कर लेता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे आप यहाँ से पीछे देख सकते हैं, ये इसके अंदर अब नहीं जा रहा। तो इसमें आप दो आप काम कर सकते हैं। पहला ये कि थोड़ा सा यहाँ से इसमें पीछे से आप यहाँ से थोड़ा सा काट सकते हैं, जिसके वजह से ये आराम से अंदर चला जाएगा। वरना इस एलईडी सबसे आगे वाली एलईडी को हल्का सा प्लास से मोड़ के आप ऐसे बेंड कर सकते हैं, जिसके वजह से ये अंदर चला जाएगा। और अगर नहीं भी जाता तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको ऐसे ही रख के इस जगह पे बस इस तरह से इसके पीछे पूरा ऐसे ब्लैक टेप इसको कवर कर दीजिए इस तरह से। ये कवर होने के बाद ये इसमें पानी भी नहीं जाएगा और अब ये लगने को तैयार है। इसको बस आप इस तरह से घुसा के इसमें फिर से नट बोल्ट डाल के और इसको इस तार को अंदर से ले के बाइक से कनेक्ट कर देंगे, आपकी ये सिंपल मॉडिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। इस मॉडिफिकेशन को करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरी अपाचे में सिमटेक का फ्लैशर लगे और आगे ये बल्ब होने की वजह से वो फ्लैश नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने ये मॉडिफिकेशन की है। मैं चाहता तो ये वाले इंडिकेटर भी लगा सकता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बाहर आते नहीं, इसलिए बहुत अंदर तक घुस के दिखते रहते हैं। ये उतने अच्छे लगते भी नहीं हैं, छोटे से लगते हैं उस पर, इसलिए मैंने इसी में लगाना प्रेफर किया है। और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें पानी भी नहीं जाता। अब
एक और बात, बाइक में लगाने के बाद जब आप उसका हेड बंद करेंगे तो फिर यहाँ पे भी एक टेप लगा दीजिएगा ताकि इससे भी पानी जाने की संभावना ख़त्म हो जाए। कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे जैसी आपकी मर्जी हो, और चाहें तो आप इस एलईडी को उल्टा भी लगा सकते हैं ताकि ये रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट करके बाहर आए। उससे रोशनी बढ़ेगी कम होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक तरीका है जो आप उल्टा भी लगा सकते हैं ताकि ये रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके वापस आए। ये बहुत सिंपल सी मॉडिफिकेशन है लेकिन पूरी गाड़ी का लुक चेंज कर देती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी गाड़ी में सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी मॉडिफाइड है, जैसे ब्रेक लाइन सब स्टील ब्रेडेड पड़ी है, इसमें लिक्वी मॉली का रेसिंग ब्रेक फ्लूइड पड़ा है, इसमें वेस्टा के सिरेमिक डिस्क पैड भी पड़े हैं जो कि 1,000 रुपये के आते हैं। इससे ब्रेकिंग बहुत सुपीरियर हो चुकी है पहले से। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। धन्यवाद।